नमस्कार। सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नए मतदाता कराए अपना पंजीयन, जिला प्रशासन का आवाहन। क्रिकेट के सट्टे पर एलसीबी की छापे की कार्रवाई। मनपा स्थायी समिति की सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुआ निर्णय। सात वर्षीय बालिका का उत्पीड़न, मां गिरफ्तार। किसान पर तेंदुए के हमले से भय का वातावरण। अब समाचार विस्तार से। भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शनिवार को अकोला पश्चिम मतदाता संघ में जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नए मतदाताओं को अपने नाम पंजीयन कराने का आवाहन जिला प्रशासन ने किया है। भारत चुनाव आयोग 1 जनवरी 2019 इस अर्हता तिथि पर आधारित मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 29 सितंबर शनिवार को अकोला पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नए मतदाताओं के नाम का मतदाता सूची में समावेश करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी कार्यालय स्थित नियोजन भवन में बीएलओ की कार्यशाला 29 सितंबर की सुबह 8 बजे ली गई। इस कार्यशाला में उपजिलाधिकारी राजेश खवले ने मार्गदर्शन किया। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन के कर्मचारी फॉर्म नंबर 6 को लेकर मतदाताओं के घर में जाएंगे तथा उनसे वहीं पर फॉर्म भरवाएंगे, ताकि कोई भी नव मतदाता अपने नामों का पंजीयन कराने से वंचित न रहे। अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग के 131 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। 283 मतदान केंद्रों के लिए इतने ही बीएलओ, इतने ही कर्मचारी होंगे। इस अभियान में अपने नामों का पंजीयन पात्र मतदाता करें, इस प्रकार का आवाहन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। इस कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी नरेंद्र लोनकर, उपजिलाधिकारी राजेश खवले, एसडीएम नीलेश अप्पर, भू संपादन अधिकारी अनिल खंडागड़े, मूर्तिजापुर के एसडीएम राहुल तायड़े, उपजिलाधिकारी वैशाली देवकर, बीएलओ मंडल अधिकारी, तलाठी कर्मचारी उपस्थित थे। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने बोरगा मंजू के एक घर पर छापे की कार्रवाई की। इस घर में भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच पर सट्टा लगाए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7,66,000 रुपयों का माल पकड़ा। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एशिया कप के फाइनल मैच के दौरान क्रिकेट के सट्टे का भंडाफोड़ स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने किया है। स्थानीय अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि बोरगा मंजू पुलिस थाने की हद में आने वाले बोरगा मंजू के कैलाश सीताराम अग्रवाल के घर भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एशिया कप के फाइनल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है, जिसके आधार पर देर रात छापे की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने मकान मालिक 58 वर्षीय कैलाश सीताराम अग्रवाल, अकोला के सिंधी कैंप निवासी 36 वर्षीय दिनेश घनश्याम दास पारवानी व रणपीसे नगर निवासी गिरीश विश्वनाथ गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने खाईवाड़ी की पर्चियां, 2 पेन, 6 मोबाइल, एलजी कंपनी का एलईडी, 2 रिपोर्ट सेट टॉप बॉक्स, ब्रीफकेस, माइक, कीबोर्ड, नकदी व एक स्विफ्ट डिजायर कार, इस प्रकार 7,66,250 रुपयों का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर के आदेश पर स्थानीय अपराध शाखा प्रभारी कैलाश नागरे के मार्गदर्शन में पीएसआई रंजीत सिंह ठाकुर, एएसआई दिनकर बुंदे, पुलिस हेड कांस्टेबल गणेश पांडे, पुलिस कांस्टेबल आशीष ठाकुर, अश्विन शेरसाट, फिरोज खान, संजय निखाड़े, महिला पुलिसकर्मी गीता अवचार ने की।
अकोला महानगर पालिका स्थायी समिति की सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। शहर की ऊंची इमारतों को देखते हुए महापालिका द्वारा जल्द ही अत्याधुनिक दमकल विभाग की गाड़ी लाने व शहर की मालमत्ता पर यूनिक नंबर प्लेट लगाने का निर्णय लिया गया। शनिवार को मनपा स्थायी समिति सभागृह में स्थायी समिति की सभा ली गई। इस सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर मंजूरी दी गई। इस सभा में अकोला शहर की ऊंची इमारतों को देखते हुए दमकल विभाग के नए वाहन चेचिस व निर्माण के लिए आई सबसे कम दर की निविदा को मंजूरी दी गई। दलितेतर निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक शिवसेना वसाहत व गुरुदेव नगर की 11 केवी ताप बिजली वाहिनी का स्थानांतरण करना समेत अकोला महानगर पालिका हद की मालमत्ता पर यूनिक नंबर प्लेट लगाने पर चर्चा कर अनुमति दी गई, जिसका ठेका नासिक की कंपनी को दिया गया, जो 50 रुपए के दर से एल्यूमिनियम की प्लेट लगाएंगी, जिसका खर्च मालमत्ता धारक को देना होगा। स्थायी समिति की इस सभा में अतिक्रमण अधिकारी नरेंद्र घनबहादुर का मुद्दा भी उछला। मनपा के अतिक्रमण अधिकारी का स्वयं का घर अतिक्रमण में होने के बाद भी नगर रचना विभाग की मेहरबानी क्यों, इस प्रकार का सवाल खड़ा किया गया है। इसके अलावा मनपा की शिक्षणाधिकारी शाहीन सुल्ताना एक भी सभा में उपस्थित नहीं रहती है, जिसके कारण उनकी 2 बढ़ोत्तरी को रोकने का निर्णय लिया गया। स्थायी समिति की इस सभा में सभापति विशाल इंगले, सभी सदस्य, नगर सचिव अनिल बिड़वे उपस्थित थे। सभेमध्ये आज चांगल्या वादळी चर्चा झाल्या, त्यामध्ये प्रामुख्याने अकोला महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जे मोठे मोठे अपार्टमेंट झालेले आहेत, 4-4, 5-5 मजली, येथे जर कधी आग लागली तर ते विझवण्याकरिता फार परिश्रम करावा लागायचे आणि त्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात हानी होत होती। त्यामुळे 5 मजल्यापर्यंत इतपत पोहोचल अशा एक मोठ्या क्रेनच्या शिडीचा एक आम्ही नव्याने अग्निशमन बंब खरेदी करण्याबाबत निर्णय घेतलेला आहे। त्यासोबतच दलितेतर निधी अंतर्गत आणि दलित वस्ती निधी अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 9 आणि प्रभाग क्रमांक 14 जी काही कामे पूर्वीची राहिलेली होती त्या निविदा सुद्धा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत। सोबतच अकोला महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये नव्याने मालमत्तांचं सर्वेक्षण झाल्यामुळे सर्व घरांना हे मालमत्ता क्रमांक असावेत या उद्देशाने एक निर्णय घेतला की त्या सर्व मालमत्ता धारकांवर प्रत्येकाचे घर क्रमांक आणि गट क्रमांक असण्याकरिता ते काम एक आम्ही नाशिकच्या कंपनीला देण्याबाबत सुद्धा निर्णय घेतला आणि त्याबाबत माननीय आयुक्तांना अधिकार प्रदान केलेले आहेत। अपनी 7 वर्षीय बालिका के साथ उत्पीड़न करने वाली माता को पुराना शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह माता अपनी 7 वर्षीय बालिका के पार्श्व भाग पर चटके दे रही थी। पुलिस ने बाल उत्पीड़न की धारा के तहत महिला को गिरफ्तार किया है। बच्ची अपनी माँ की बात नहीं मानती, स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, दिन भर घूमती है, इसलिए परेशान माँ ने बच्चे के पिछवाड़े गर्म झारे से दाग दिए। इसकी जानकारी SDPO के विशेष दल के तुषार निवारे को मिलने के बाद उन्होंने उसकी जानकारी पुराना शहर पुलिस को दी। पुलिस ने पड़ताल करने के बाद नन्ही बच्ची का सरोपचार में परीक्षण कराया। मामले में धारा 324 तथा बाल उत्पीड़न की धारा 75 के तहत अपराध दर्ज कर मां को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुराना शहर के शांतिनगर इलाके में एक महिला किराए के मकान में रहती है। महिला को पति नहीं है, 3 बच्चों को मजदूरी कर पाल रही माँ की बात 7 साल की सबसे बड़ी बच्ची नहीं मानती, इसलिए बच्ची के पेड़ू तथा पिछवाड़े झारे को गर्म कर दाग दिए गए। बच्ची के बदन पर नायलॉन के कपड़े होने के कारण गर्म चीज से दागने के चलते जख्म बन गए। पुलिस ने मामले में छानबीन की तो पता चला कि उक्त महिला के संभवतः किसी से अंतरंग संबंध होंगे। बच्ची ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया होगा, इसलिए दोनों ने मिलकर बच्ची को गर्म सलाखों आदि से दागा होगा। आगे की जांच पुलिस कर रही है। PSI निवारे यांना माहिती प्राप्त झाली का एक महिला तिची मुलीला 2 दिवसापासून झऱ्याने सराटेने गरम करून त्याच्या मागील भागावर चटके देत आहे आणि त्याला दुखापत झालेली आहे आणि ते घरामध्ये ओरडत आहे। प्राप्त माहितीनुसार PSI नेवारे हे पोलीस स्टेशनला आले, त्यांना मदत देण्यात आली, त्या ठिकाणी गेले, त्यांनी पाहिलं तर खरोखरच त्या मुलीचा मागचा भाग संपूर्ण जळाला होता आणि तिला वेदना होत होत्या आणि त्याप्रमाणे ती रडत होती। म्हणून ते PSI नेवारे यांना त्याला पोलीस स्टेशनला घेऊन आले। पोलीस स्टेशनला त्याविषयीची तक्रार दिली असता मुलीला वैद्यकीय तपासणी केली, त्यानंतर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार जुने शहर पोलीस स्टेशनला
324 भादवी आणि 75 जस्टिस ज्युवेनाइल ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास तायडे साहेब हे करीत आहेत. खेत में कपास की फसल को पानी दे रहे किसान पर एकाएक तेंदुए ने हमला कर दिया. इस घटना में किसान घायल हो गया. तेंदुए के हमले के कारण किसानों में अपने जान माल को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है. बालापुर पातुर मार्ग पर भानुज नाले के पास एक खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए द्वारा हमला किए जाने के कारण भय का वातावरण निर्माण हो गया है. पातुर के जिरायत भाग क्रमांक 1 सर्वे नंबर 311 में यह घटना घटी. पातुर निवासी किसान शेख मोबिन शेख इमाम अपनी कपास की फसल को पानी दे रहे थे, तब उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया. तेंदुए ने किसान के हाथ पर पंजा मारा. इस घटना से घबराए किसान ने शोर मचा दिया, जिसके कारण तेंदुआ भाग निकला. इस भाग में कई बार तेंदुआ देखा जा चुका है, जिसके बाद अब तेंदुए ने हमला शुरू किया है, जिसके कारण इस परिसर के किसान और खेतीहर मजदूरों में भय पैदा हो गया है. सर्वोपचार अस्पताल में महिला रोगियों को दिए गए भोजन की सब्जी में इल्लियां दिखाई देने के कारण सर्वोपचार में हड़कंप मच गया है. मरीजों को निकृष्ट दर्जे का भोजन दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है. अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में रोगियों को दिए जाने वाले भोजन के डिब्बे की सब्जी में इल्लियां दिखाई दिए जाने के कारण रोगियों में हड़कंप मच गया. सर्वोपचार अस्पताल के वार्ड क्रमांक 17 में रोगी महिला को भोजन का डिब्बा दिया गया, जिसमें चावल रोटी व सब्जी थी. इस सब्जी में इल्लियां पाई गई, जिसके कारण महिला रोगी में भय व्याप्त हो गया. अन्य रोगी महिलाओं की सब्जियों में भी इल्लियां दिखाई दी थी. उसके बाद महिला रोगियों ने उन्हें निकृष्ट दर्जे का भोजन देने का आरोप लगाया. ती भाजी पाहिली मी, वांग्याची भाजी पोलटून पाहिली, त्याच्यामध्ये अळी निघाली. अळी निघताना तिला सांगितलं की बाई तीन वेळा निघाली अळी त्याच्यामध्ये. इसे लेकर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर घोरपड़े से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि सर्वोपचार अस्पताल के मेन्यू में यह सब्जी ही नहीं थी. यह भोजन सर्वोपचार अस्पताल परिसर में वितरित हो सकता है. इस घटना की गंभीरता से जांच किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है. त्यामध्ये एका रुग्णाच्या नातेवाईकाच्या डब्यामधील भाजीमध्ये अळी दिसून आली, परंतु सदरील माहिती प्राप्त होताच प्राथमिक माहिती घेतली असता असं निदर्शनास आले की काल संध्याकाळी रुग्ण मेसमधून जी भाजी बनविण्यात आली होती ती पत्ताकोबी व डाळीची भाजी होती, परंतु अळी जी निघाली ती आलू वांग्याच्या भाजीमधून होती. त्यामुळे सदरील बाबतीत योग्य ती चौकशी करून जर असा प्रकार घडलेला असेल की रुग्णमेसमधील भाजीमध्ये जर अळी निघाली असेल तर त्यासंबंधी योग्य ती चौकशी करून कारवाई करण्यात. सर, हे बाहेर पण इथे जेवण वगैरे वाटप होते, होऊ शकते त्यातला पण तो प्रकार असू शकतो, त्याच्यावर काही आपण काही कारवाई होणार आहे का? हा जो प्रकार आहे, बाहेरील व्यक्ती सुद्धा आपल्या इथे रुग्णांच्या नातेवाईकांकरिता जेवणाचं वाटप करत असतात, त्यामधील सुद्धा ती भाजी असू शकते. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ प्रशासन पर कामगारों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए आयटक कामगार संगठन ने तीव्र विरोध प्रदर्शन किया, जिसके तहत विद्यापीठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना आंदोलन किया गया. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन पर कामगारों का शोषण करने के आरोप लगाते हुए आयटक कामगार संगठन ने तीव्र विरोध प्रदर्शन किए. शुक्रवार को पीकेवी परिसर में कामगारों को संगठन के वरिष्ठ नेता एस एन सोनो ने गायकवाड़ ने संबोधित करते हुए पीकेवी प्रशासन पर अनेक गंभीर आरोप लगाए. सन 2015 में पीकेवी के कामगारों को वरीयता के आधार पर सेवा में स्थायी करने के आदेश मिले थे, लेकिन पीकेवी के अधिकारियों ने इस आदेश पर ध्यान नहीं दिया. न्यूनतम वेतन नियमानुसार अभी भी कामगारों को नहीं दिया जाता. कामगारों को महंगाई भत्ते की राशि के अंतर की राशि अभी तक नहीं मिली है. सप्ताह भर काम करवाने के बाद उपस्थिति पूरी दर्ज नहीं की जाती. कामगार नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार पालक मंत्री व संबंधित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया,
पीकेवी प्रशासन को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कामगारों के हाथ कुछ नहीं लगा। संगठन ने कामगारों को एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद रखने का आह्वान करते हुए पीकेवी प्रशासन को चेतावनी दी तथा अपनी मांगों का पुनरुच्चार करते हुए इसे संज्ञान में लेने को कहा है। प्रमुख प्रवेश द्वार पर हुई इस बैठक व विरोध प्रदर्शन के दौरान संतोष मोरे, मदन जगताप, सुहास अग्निहोत्री, नयन गायकवाड़, विद्याधर ढोरे, प्रमिला महल्ले, दिलीप एते, विमल सलाटे, अरुण दंदी, रामदास गायकवाड़, गोपाल खोत समेत संगठन के सदस्य तथा पीकेवी के कामगार महिला व पुरुष उपस्थित थे। खामगांव से अकोला आ रही बस के बोनट में शॉर्ट सर्किट की घटना प्रकाश में आई। बोनट से धुआं निकलने के कारण यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। बस चालक ने समय रहते बस को सड़क के किनारे खड़ा कर यात्रियों को बस से नीचे उतरने में सहायता की। रख रखाव और देखभाल के अभाव के कारण अधिकांश एसटी बसों की हालत खराब हो गई है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार की रात अशोक वाटिका के पास एसटी बस के बोनट की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं निकलना शुरू हो गया था, जिसके कारण यात्रियों में भगदड़ मच गई थी। यह बस खामगांव से अकोला आ रही थी, तब अशोक वाटिका के पास एसटी बस के बोनट से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया, जिसके कारण बस में सवार 30 से 35 यात्रियों में भय पैदा हो गया था। कई यात्रियों ने बस की खिड़की से छलांग लगा दी थी। एसटी चालक कैलाश ताइड़े ने तुरंत ही बस को सड़क के किनारे रोक दिया व यात्रियों को बाहर निकालने में सहायता की। उसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। बाद में अकोला डिपो से कर्मचारियों को बुलाकर एसटी को वर्कशॉप पहुंचाया गया। बसों के रखरखाव व दुरुस्ती में लापरवाही बरतने के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने संघवीवाड़ी परिसर में क्रिकेट के सट्टे पर छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारत बांग्लादेश के मैच पर खाईवाड़ी कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने संघवीवाड़ी परिसर में छापा मारकर क्रिकेट पर सट्टा ले रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संघवीवाड़ी परिसर में भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एशिया कप फाइनल क्रिकेट मंच पर सट्टा खेला जा रहा है, जिसके बाद छापे की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने संघवीवाड़ी निवासी 47 वर्षीय महेश महावीर प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 36,200 रुपए मूल्य की क्रिकेट सट्टे की सामग्री जब्त की। यह कार्रवाई कोतवाली के थानेदार विलास पाटिल के मार्गदर्शन में पीएसआई अमित दहारे, एएसआई जगदीश दायभाय, एनपीसी विपुल सोलंके, प्रमोद डुकरे पाटिल, नागसेन वानखड़े, अमित दुबे रड़के ने की। अकोला के कई प्रमुख मार्गों पर मार्ग डिवाइडरों पर लगाए गए पौधे वाहन धारकों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। समय रहते इन पौधों की कटाई छटाई करने की जरूरत आ गई है। अकोला शहर के सौंदर्यकरण के लिए लगाए गए प्रमुख मार्गों के पौधे इन दिनों दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। अकोला के जेल चौराहे से लेकर वाशिम बाईपास तक, अग्रसेन चौराहे से लेकर रेल स्थानक के मार्ग पर डिवाइडर पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, जो पिछले दिनों हुई बारिश के कारण बेतरतीबी से काफी बढ़ गए हैं। इस पौधे की डालियां सड़क तक आ गई है, जिसके कारण वाहन धारकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मोड़ पर इतने अधिक पौधे आ गए है कि विरुद्ध दिशा से आ रहे वाहन नजर ही नहीं आ रहे है, जिसके कारण वाहनों के टकराने का खतरा पैदा हो रहा है। इससे पहले ही बेतरबीती से बड़े पौधे किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे उसकी छटाई करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। अकोला के संत तुकाराम अस्पताल में किडनी के रोगियों के उपचार के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तर का डायलिसिस यूनिट सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदा योजना के लाभार्थियों पर निःशुल्क उपचार किया जाएगा। केवल अकोला ही नहीं बल्कि बुलढाणा वाशिम जिले के किडनी रोग से ग्रस्त रोगियों के लिए अकोला शहर के गौरक्षण मार्ग स्थित संत तुकाराम हॉस्पिटल में विश्व स्तर के डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना के अंतर्गत निर्धन रोगियों को डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त डायलिसिस सेंटर जनहितार्थ शुरू किया गया है। संत तुकाराम हॉस्पिटल में यह डायलिसिस सेंटर प्रसिद्ध किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल कीबे के मार्गदर्शन व देखरेख में शुरू किया गया है।
जिसकी जानकारी डॉक्टर निखिल किबे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। सध्या स्टेट ऑफ आर्ट अद्यावत डायलिसिस सेंटर सुरू केला आहे, याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे पेशंटला इन्फेक्शन व्हायची शक्यता कमी होऊन जाते। जसे की रिव्हर्स ऑस्मोसिस वॉटर प्लांट हा एक फार महत्वाचा घटक असतो, पाणी खूप महत्वाचं आहे, जितकं प्युअर पाणी मिळेल तेवढं पेशंटला त्रास कमी, डायलिसिस उत्तम होतं। रिव्हर्स ऑस्मोसिस वॉटर प्लांट मध्ये स्टेनलेस स्टीलच्या टाक्या वापरल्या आहेत, पाईपलाईन सुद्धा फ्लेक्स पाईपलाईन म्हणून जी आहे ती इम्पोर्टेड आहे, व इन्फेक्शन होऊ नये व इन्फेक्शन कंट्रोलसाठी ज्या काही लेटेस्ट गोष्टी आहेत त्या समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत। हिमोडायलिसिस म्हणजे हे रक्ताचं डायलिसिस आहे आणि पेशंट वर्षानुवर्ष डायलिसिसवरती जगू शकतो। तसेच या एरियामध्ये स्नेक बाईट म्हणजे सर्पदंशामुळे सुद्धा किडनी फेल्युअर होतं व ते पेशंटसुद्धा त्यांना सुद्धा जीवनदान डायलिसिसमुळे मिळू शकेल। तर असं हे डायलिसिस युनिट संत तुकाराममध्ये सुरू झालं आहे। व एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे की फिश्चुला ऑपरेशन म्हणजे आर्टरी आणि वेन हे जोडत असतात, डायलिसिससाठी आवश्यकता असते, मग सुई घालून डायलिसिस करता येतं। तर हे जोडण्याचं जे ऑपरेशन आहे हे जीवनदायी योजनेमध्ये अकोल्यामध्ये कुठल्याही हॉस्पिटलला होत नाही व इथे आम्ही तुकाराम हॉस्पिटलला सुरू केलं आहे। नागपूरचे सर्जन डॉक्टर खटोड हे कार्डिओथोरॅसिक सर्जन आहेत जे अकोल्याचे आहेत, तर ते इथे शनिवार रविवार येऊन ऑपरेशन करत असतात, तर गरजू रुग्णांनी त्याचा लाभ घ्यावा अशी माझी विनंती आहे। एक इंटेन्सिव्ह केअर युनिटची इथे आवश्यकता होती व आम्ही आता ते 1 तारखेपासून सुरू करत आहोत। इवन डायलिसिस सेंटरचे जे पेशंट आहेत तर यांनासुद्धा इथे ICU बॅकअप राहील व 24 तास इथे डॉक्टर राहतील, क्वालिफाईड डॉक्टर राहतील आणि याचा निश्चितच रुग्णांना फायदा होईल। पिछले 30 साल से संत तुकाराम हॉस्पिटल रोगियों को सेवा दे रहा है। अब किडनी से ग्रस्त रोगियों के लिए विश्व स्तर का डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना के अंतर्गत सेवा दी जाएगी। इसकी जानकारी डॉक्टर अश्विनी खरसे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। आपल्याला इतक्या वर्षापासून माहित असेल की किवे सरांचं काम किती चांगलं आहे आणि त्याच्यात इथे ज्या गोष्टींची काळजी घेतलेली आहे की जसं इन्फेक्शन कंट्रोलवर त्यांनी जास्त काळजी घेतलेली आहे की इन्फेक्शन होऊ नये त्याच्यासाठी त्यांनी बराच खर्चही केलेला आहे आणि आज ते जे करत आहेत ते खरंच एक आदरणीय गोष्ट आहे की आपल्या अकोला जिल्ह्यात इतकं चांगलं डायलिसिस युनिट आज सुरू झालेलं आहे आणि इथे डायलिसिस युनिट सुरू होते महात्मा ज्योतिबा फुलेच्या अंतर्गत ही अजूनच चांगली गोष्ट आहे, जेणेकरून पेशंटला फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिळेल। कारण की आपल्याला महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जी आहे त्याच्या अंतर्गत रेशन कार्ड जर असेल आणि ID कार्डवर पेशंटला फ्री ऑफ बेनिफिट मिळतं, म्हणजे याच्यात अंत्योदय अन्नपूर्णा ऑरेंज येलो रेशन कार्ड होल्डर्स आणि तसंच व्हाईट रेशन कार्ड होल्डर पण त्याच्याकडे 7-12 असायला पाहिजे, फक्त शेतकरी असायला पाहिजे, तर अशा लोकांना इथे ट्रीटमेंट मिळेल। संत तुकाराम हॉस्पिटल में शुरू हुए इस लोकोपयोगी प्रकल्प का लाभ लेने का आवाहन किया गया है। बारी समाज ने 18 वर्षीय मतिमंद युवती पर अत्याचार करने वाले आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जलगांव जामोद के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर भव्य मूक मोर्चा निकाला। इस मूक मोर्चे में बारी समाज के हजारों नागरिक शामिल हुए थे। जलगांव जामोद के उपविभागीय कार्यालय पर बारी समाज द्वारा भव्य मूक मोर्चा निकाला गया। 8 सितंबर 2018 को बुलडाना जिले के संग्रामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले वानखेड़ में 45 वर्षीय नराधम प्रकाश पांडुरंग लोने ने निर्धन परिवार की 18 वर्षीय मतिमंद युवती पर घर में घुसकर बलात्कार किया। इस घटना के कारण समाज मन व्यथित हो गया है। इस घटना का सभी ओर निषेध किया जा रहा है। इस घटना को लेकर बारी समाज के हजारों नागरिकों ने जलगांव जामोद के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। इस प्रकरण को जल्द गति न्यायालय में चलाया जाए, इसके लिए विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम की नियुक्ति की जाए, पीड़ित युवती का पुनर्वसन व उसके परिजनों को पुलिस सुरक्षा दी जाए, इन मांगों को लेकर भव्य मूक मोर्चा निकाला गया। इस मूक मोर्चा में 5000 से अधिक छात्र छात्राएं नागरिक व बारी समाज जन शामिल हुए थे। इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी को निवेदन सौंपकर दोषी पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की गई। इस घटना को लेकर संतप्त प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की गई। भारतीय बारी महासंघाच्या वतीने
आज संपूर्ण देशातील बाली समाज बांधवांचा आज एक हा निषेध मोर्चा काढण्यात आला. वानखेड येथील जी घटना घडली, एका अपंग आणि गतिमंद मुलीवर जो अत्याचार झाला, त्या आरोपीला तातडीने फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये केस चालवून त्याचा निकाल 6 महिन्याच्या आत द्यावा. ही केस चालवण्याकरता ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांची सरकारने नेमणूक करावी, याकरता आज 10,000 वर संपूर्ण देशातून बाली समाज या ठिकाणी आला होता. आमची शासनाला विनंती आहे की आज आम्ही ही मागणी अत्यंत शांतपणे केली आहे. आम्ही मुकमोर्चाच्या द्वारे मागणी केली आहे, परंतु ही मागणी जर महिन्याभरात जर ही अनाउन्समेंट नाही झाली तर संपूर्ण बाली समाज हा रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. शासनाने कृपयाची नोंद. मंगरुळपीर में भारत बंद को शत प्रतिशत सफलता मिली. यहां प्रत्येक दुकानदार ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर भारत बंद को अपना समर्थन दिया. इस बंद के कारण नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. विदेशी कंपनियों ने भारतीय व्यवसाय को अपने कब्जे में लेकर अपना वर्चस्व बढ़ाया है. हर बाजार में विदेशी सामग्री व्यवसाय बढ़ गया है. देश के छोटे बड़े व्यापारी व व्यवसायी पर इसका परिणाम होने के कारण भारतीय व्यापारियों का भारी नुकसान हो सकता है. यहां तक कि व्यापार भी समाप्त होने की कगार पर पहुंच सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपनियों के खिलाफ 28 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था. इस बंद को मंगरुळपीर शहर में भी व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना समर्थन दिया है. उल्लेखनीय है कि फ्लिपकार्ट वालमार्ट परदेशी कंपनियों ने भारतीय बाजार पेट पर 100% अपना कब्जा किया है. वह ऑनलाइन शॉपिंग बड़े बड़े मॉल के कारण देश के छोटे व्यापारियों का व्यवसाय समाप्त होने का भय विदेशी कंपनियों के निर्माण होने से हो सकता है. इसी विदेशी कंपनियों के खिलाफ में 28 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था. इस बंद को समर्थन देते हुए मंगरुळपीर में भी लगभग सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना सहभाग इस बंद को दिया है. सुबह से ही शहर के सभी प्रतिष्ठान बंद थे, जो दोपहर के बाद धीरे धीरे सुचारू हुए. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. नए मतदाता कराए अपना पंजीयन, जिला प्रशासन का आवाहन. क्रिकेट के सट्टे पर एलसीबी की छापे की कार्रवाई. मनपा स्थायी समिति की सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुआ निर्णय. सात वर्षीय बालिका का उत्पीड़न, मां गिरफ्तार. किसान पर तेंदुए के हमले से भय का वातावरण. फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.